मंडलायुक्त जयंत नालिका ने जनपद के कोविड 19 इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अपर निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, अपर जिलाधिकारी नगर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी गोरखपुर सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। मंडलायुक्त जयंत नालिका ने कलेक्ट्रेट परिसर में ICC सेंटर का निरीक्षण कर वहाँ होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों से वार्ता किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग RRT विजिट संक्रमितों को कोविड हॉस्पिटल में बेड प्रदान किया जाने, डेटा फीडिंग आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि अपर जिलाधिकारी नगर प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कार्यों की नियमित निगरानी करें। 100 बेड के TB अस्पताल का निरीक्षण करते हुए स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कोविड मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि के दृष्टिगत 8 अप्रैल तक इसे Level 2 की फैसिलिटी के रूप में संचालित किया जाए और मुख्य चिकित्सा अधिकारी आवश्यक संसाधन सुनिश्चित कराएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत लेकर ने कहा, आप बताइए क्या क्या कर रहे हैं? ये सर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की फीडिंग और कौन कौन करता है डॉक्टर साहब लोग बैठते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सर जैसे आप लोग कहाँ से हैं? PMS के हैं? आयुष के? आयुष से पैरामेड के आप पैरामेडिकल हम आयुष के आप आयुष के सर दोनों काउंटर यहाँ डॉक्टर साहब आप बैठते हैं? नहीं सर। अच्छा ADM सिटी साहब टेस्टिंग का फीडिंग का काम करते हैं सभी बेसिकली ये होम आइसोलेशन हो गया, ये आपका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का हो गया, बेड एलोकेशन भी यहीं से करते जी और RRT का उधर है और वो किसी को फोन कर राजेश चौबे ऑफिस में पहले भी कर चुकी हैं और फिर हम जी जब कम हो गया ये लोग वही जो फर्स्ट टाइम से करते हुए आ रही हैं। और देखिए ये तो यदि कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया उससे पहली चीज़ जो है तो ये और आपकी को बॉडी से लगना चाहिए कि कोई आकाश नहीं टूट पड़ा। ये मैं इन लोग के सामने कहता हूँ, मुझे कहता हूँ सबसे खराब चीज़ ये लोग डॉक्टर हैं ये बताएंगे पैनिक होता है। यदि आदमी मेंटली परेशान हो गया तो फिजिकली कभी ठीक नहीं होता। के संपर्क में आए हैं तो वो हो सकता है वो क्या है कि नहीं आए, तब आप उससे पूछें कि कोई खांसी बुखार, यदि यहाँ पर आपको ये भी लिखना चाहिए पॉजिटिव व्यक्ति अथवा खांसी बुखार इस टाइप के व्यक्ति के संपर्क में आए, क्योंकि हो सकता है वो पॉजिटिव हो ना हो इनको क्या पता। लेकिन किसी बीमार व्यक्ति यथा खांसी बुखार इस टाइप के व्यक्ति के संपर्क में भी आए हैं तो वो भी वही होगा, हो सकता है उसमें से होम आयुर्वेद वाला सर जो फार्मेट था पहले वाला बाकी जनपदों को करना चाहिए। जब इतनी अच्छा किया है तो आप 6-7 के आसपास कैसे कर रहे हैं? आपका तो बहुत होना चाहिए जैसे कि क्या हुआ है आपको बताने। हाँ इनको जी सर भाग नहीं पा रहा है क्योंकि घर में पहले आ चुके हैं काफ़ी बीमारी ये निकाल दे रहे हैं तुम्हारा 15-18 जा रहा है घर के लोग निकाल रहे जैसे इसमें दिक्कत यहाँ आई है हम लोग का जो कम पड़ा है आप जैसा कि देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है
कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके संक्रमित जो भी हो चुके हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, होम आइसोलेशन की विजिट को मॉनिटर करने के लिए, RRT को देखने के लिए। और इसलिए इस केंद्र का निरीक्षण करके हम लोगों ने देखा है कि फिर से हम लोगों की तैयारियां ठीक है कि नहीं। गोरखपुर जनपद जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रेड, कॉमर्स, मेडिकल, टूरिज़्म इन सारी चीज़ों का हब बन रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या दिन के समय आती है और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि गोरखपुर जनपद की तैयारी बहुत अच्छी हो और यही प्रयास है कि हम लोग समय रहते अपनी पूरी तैयारी करें जिससे संक्रमण को रोका जा सके और जो संक्रमित हैं उनको हम ठीक करके उनके घर भेज सकें। देखिए ऑलरेडी नियम है लेकिन आप देखिए अब हम इस लड़ाई को आप लोगों के सहयोग से और जनता के सहयोग से एक साल से ज़्यादा समय से लड़ रहे हैं और काफ़ी अच्छी सफलता पाई है। गोरखपुर जैसा घना जनपद, यदि आप नगर निगम का एरिया देखें, काफ़ी घना है और उसमें हमारी लगभग जो अनफॉर्चुनेट डेथ हुई हैं वो करीब 370 के आसपास हुई हैं। 5 लाख प्रवासी लोगों को हम लोग यहाँ पर ट्रेन से लेके आए हैं। 14 फ्लाइट हैं जो पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर आती हैं और उसके बावजूद इन संख्या में जो हमारा डेथ रेट है, पॉजिटिविटी रेट है और जो डिस्चार्ज रेट है वो बहुत अच्छा है और ये अच्छा काम जनता के सहयोग के बिना संभव नहीं है। स्वास्थ्य विभाग प्रशासन के साथ साथ मीडिया और जनता का सहयोग रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, बड़ी दूर तक आप लोगों तक पहुंचते हैं। पंचायत इलेक्शन का समय है इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि ऐसा कदम हम लोगों को उठाने पर क्यों विवश हो कि हम किसी के अगेंस्ट विधिक कार्रवाई करें, किसी पर फाइन लगाएं। हमें खुद सहयोग करना चाहिए। जब हम मास्क का प्रयोग करते हैं, थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, हम अपने को भी सुरक्षित रखते हैं और अपने समाज के लोगों को भी सुरक्षित रखते हैं और जब समाज सुरक्षित रहेगा तभी हम एक सशक्त राष्ट्र और सशक्त प्रदेश बनेंगे। तो फिर अपील करना चाहूँगा कि हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं मास्क लगाएं, अन्यत्र मतलब आवश्यक नहीं हो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, बिल्कुल ना निकलें, मास्क लगाएं, ज़रूरी काम करें और डिस्टेंस रखें। धन्यवाद।